कहानी की शुरुआत एक मॉर्ग रूम से होती है, जहां एक आदमी एक लाश के साथ इंटीमेट हो रहा था। इसके बाद वो उसकी लाश को फ्रीजर में रख देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। फिर हम एक लड़की सैम को देखते हैं, जो अपने दोस्त के घर पार्टी में जा रही होती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड निकी को फोन करके पूछती है कि क्या तुम पार्टी में आ रही हो, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे मना कर देती है। अब सैम अकेले ही अपने दोस्त की पार्टी में आती है, जहाँ पर उसकी दोस्त एलिस उसका वेलकम करती है। वो उससे निकी के बारे में भी पूछती है, पर सैम उसका कोई जवाब नहीं देती। तभी सैम देखती है कि एक आदमी उसे घूर रहा है। फिर हम देखते हैं कि ये वही आदमी है जो उस मॉर्ग से यहाँ पर आया था। तभी सैम के पास रायली नाम का लड़का आता है, जो उससे उसके रिलेशन के बारे में पूछता है, क्योंकि वो उस पर स्कूल टाइम से ही लाइन मारता था। तभी सैम को एलिस बुला लेती है और उसे भी शराब पीने के लिए कहती है। सैम दारू नहीं पीना चाहती थी, पर एलिस उसे जबरन पीने को कहती है, जिससे अब उसे काफी नशा हो जाता है। इसके बाद सैम अपने रूम में जाती है, तभी उसे वहाँ पर वही आदमी दिखता है जो उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, जिसमें कि उसने कुछ मिला रखा था। फिर वो उससे कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। ये सुनकर सैम गुस्से में उसकी गाड़ी में जाकर उसके साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन सैम जब उठती है तो वो खुद को अपने बेड पर पाती है और उसका सर भी काफी दर्द हो रहा था। फिर सैम जब अपने कमरे से बाहर जाती है, तभी उसकी माँ उसे डांट लगाने लगती है, क्योंकि वो काफी देर रात घर आई थी। ये सुनकर सैम अपनी माँ को कहती है कि तुम मुझ पर इतना गुस्सा मत किया करो। कुछ देर बाद सैम अपनी दोस्त निकी से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है। जब ये दोनों बात कर रही होती हैं, तभी एक आदमी वहाँ पर आता है, जो सैम को देखकर पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है। सैम ये देखकर डर जाती है, पर तभी निकी उससे कहती है कि हम दोनों लेस्बियन हैं, तो तुम हम पर ट्राई मत करो। ये सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जब सैम की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके बेड पर ढेर सारा खून है। इसके बाद वो वॉशरूम में जाती है और देखती है कि उसका प्राइवेट पार्ट काला हो रहा है, जैसे कि वो सड़ रहा हो और उसमें से खून निकलने लगता है। पर ये देखकर उसे लगता है कि ये शायद कोई इन्फेक्शन है, जिससे वो उसे नजरअंदाज कर देती है। जब वो जॉब पर जा रही होती है तो देखती है कि उसकी माँ का हाथ जल गया है। जब वो उनके हाथ पर लोशन लगाती है तो उसकी माँ देखती है कि उसके हाथ पर काफी कट लगे हुए हैं। अब सैम अपने जॉब पर जाने लगती है, तभी उसके पास उसकी दोस्त का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि आज उसके घर कुछ पुलिस वाले आए थे, जो उससे एक आदमी के बारे में पूछ रहे थे जो कि उसी पार्टी में मौजूद था। ये सुनकर सैम को शक होता है कि कहीं वो आदमी वही तो नहीं जिसके साथ वो कार में इंटीमेट हुई थी। सैम पूछती है कि पुलिस ने क्या बताया, तो निकी बताती है कि पुलिस ने कहा कि वो आदमी बहुत खतरनाक है। कुछ देर बाद सैम जब अपने काम पर लंच करती है तो उसे खाने का स्वाद ही नहीं आता। तभी उसकी कॉलीग वहां कर उससे कहती है कि उससे मिलने रायली आया है। जब वो रायली के पास जाती है तो रायली उससे पूछता है कि वो कैसी है। सैम उससे कहती है कि वो चुपचाप अपना ऑर्डर लिखवाए। इसके बाद जब वो अपना दूसरा ऑर्डर लेने जाती है तो उसके सर में दर्द होने लगता है, जिससे वो वॉशरूम में चली जाती है। तभी बाहर से उसे उसकी कॉलीग पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो सैम कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर सैम जब वहाँ पर पी करती है तो उसके अंदर से खून निकलने लगता है, जिससे वो डर कर उस खून को साफ कर देती है और ऑर्डर लेने बाहर जाती है। पर तभी उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिससे वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो एक डॉक्टर के पास जाकर उसे अपनी प्रॉब्लम बता देती है। डॉक्टर जब उसे चेक करता है तो कहता है कि तुम्हारा हार्ट रेट काफी स्लो है, लेकिन इन सब से तुम्हारे नीचे ब्लड निकलने का कोई कनेक्शन नहीं है। फिर डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या वो उसका देख सकता है, तो इस पर वो उसे अलाउ कर देती है। इसके बाद डॉक्टर जब उसके कपड़े खोलता है तो देखता है कि उसके पेट पर कुछ काली लाइंस हैं। ये देखकर डॉक्टर को अजीब लगता है और वो पूछता है कि क्या तुम सेक्सुअली एक्टिव हो, जिस पर सैम कहती है कि वो एक लेस्बियन है और वो ये सब नहीं करती। ये सुनकर डॉक्टर समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है, इसीलिए वो उसे सच बताने के लिए कहता है। सैम उसे बताती है कि परसों रात वो एक लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी और वो भी प्रोटेक्शन के बिना। ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि ये एक इन्फेक्शन है, जिसके बाद वो उसे एक लोशन देकर वहाँ से भेज देता है। इसके बाद सैम अपनी दोस्त निकी के पास जाती है और वो उसके करीब आना चाहती है, क्योंकि वो दोनों ही लेस्बियन थी, पर निकी उसे मना कर देती है। रात में सैम एलिस के पास उससे मिलने जाती है, जहाँ एलिस उसकी आँख देखकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी एक आँख लाल हो रही है। ये सुनकर सैम उसे देखने वॉशरूम में जाती है। अब सैम की बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगी थी, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब ये देखकर सैम एलिस से उसी आदमी के बारे में पूछती है, जिस पर एलिस कहती है कि पूरे न्यूज में यही आ रहा है कि कोई भी उसके संपर्क में ना आए। पर अब सैम उस आदमी के कॉन्टेक्ट में आ गई थी, जिससे वो बहुत डर जाती है। फिर घर जाकर सैम
सैम उस जगह पर लोशन लगाती है, लेकिन उसकी ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। जब वो ब्रश कर रही होती है तो उसका एक दांत हिलने लगता है और तभी वो दांत आसानी से उखड़ जाता है। तभी रात को सोते वक्त उसका मन बिगड़ जाता है, जिससे वो वॉशरूम में जाती है। तभी उसकी माँ उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, जिस पर सैम उनसे कहती है कि वो बहुत बीमार है, इसलिए वो उससे दूर रहे। अगले दिन सैम जब उठती है तो अब उसकी दोनों आंखें लाल हो गई थी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। फिर जब वो गर्म पानी से नहाने जाती है तो उसे वो फील ही नहीं होता। तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है, जो देखती है कि उस पर गर्म पानी का कोई असर ही नहीं हो रहा। फिर सैम जब नहाती है तो उसका बाल टूट कर गिर जाता है। फिर सैम जब अपने जॉब पर जाने लगती है तभी उसकी माँ देखती है कि वो पीछे से टकली हो गई है। सैम खुद को ऐसा देख कर बहुत डर जाती है और अपने जॉब पर जाती है। जब वो अपना काम कर रही होती है तभी उसका बॉस उसे देख लेता है और कहता है कि यहाँ पर चश्मा पहनना अलाउ नहीं है। फिर जैसे ही वो उसका ग्लास हटाता है तो देखता है कि उसकी आंखें लाल हो गई हैं, जिसे देखकर वो उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। फिर सैम खाना तैयार करके कस्टमर के पास ले जाती है। तभी वो कस्टमर उसे देखकर काफी अजीब रिएक्ट करते हैं। सैम देखती है कि उसका नाखून कट गया है। तभी उस कस्टमर के खाने में उसका टूटा हुआ नाखून मिलता है, जिसके बाद सैम का बॉस उसे वहां से भगा देता है। तभी जाते वक्त सैम को वहां पर रायली मिलता है, जो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पार्टी की रात उस आदमी के साथ इंटीमेट होते हुए देखा था। ये देखकर सैम उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है। इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती है, जहां डॉक्टर उसे देखकर हैरान हो जाता है कि उसके बॉडी के साथ क्या हो रहा है। सैम उससे कहती है कि तुम मुझे कुछ दवाइयां दे दो ताकि ये ठीक हो जाए, लेकिन डॉक्टर को नहीं पता होता कि उसकी बीमारी क्या है, इसलिए वो उसे कोई दवाई नहीं देता। साथ ही वो उसे किसी से भी फिजिकल कॉन्टेक्ट बनाने से रोक देता है। इसके बाद सैम अपने एक दोस्त के पास जाती है, जो कि एक ड्रग डीलर होता है। फिर सैम उसे बताती है कि वो बहुत बीमार है, इसलिए वो उसे एक ऐसा ड्रग दे जो उसे शांत कर दे। उसका दोस्त उसे एक ड्रग देता है, जिसे वो ले लेती है। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त एलिस आती है, जो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर सैम उसे सब सच बताती है कि वो उसकी पार्टी के दिन एक आदमी से मिली थी, जिसके साथ वो इंटीमेट भी हुई थी। ये सुनकर एलिस उससे कहती है कि उन्हें पुलिस के पास जाकर सब सच बता देना चाहिए, क्योंकि पुलिस उस आदमी की तलाश में है और शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। पर तभी सैम पुलिस का नाम सुनकर उसे डांटने लगती है और कहती है कि वो पुलिस के पास कभी नहीं जाएगी, और ये कहकर सैम वहां से निकल जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसकी माँ वहां पर एक डॉक्टर को लेकर आई होती है, ताकि वो उसकी बेटी को देख सके। ये देखकर सैम को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को उसकी चिंता ना करने के लिए कहती है। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, पर तभी सैम अपना चश्मा उतार कर जोर से चिल्लाती है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाती हैं। इसके बाद सैम अपनी दोस्त निकी के घर जाती है और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है। फिर निकी जब दरवाजा खोलती है तो वो उससे कहती है कि उसे एलिस ने सब बता दिया है कि वो उस पार्टी में एक आदमी के साथ इंटीमेट हुई थी और अब से हमारा रिलेशन खत्म। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो निकी को धक्का दे देती है, जिससे उसके सर पर काफी चोट लग जाती है। तभी सैम उसका गला दबाने लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी ये देखकर सैम रोने लगती है कि उसने ये क्या कर दिया, और फिर गुस्से में वो एलिस के घर जाती है, जहाँ पर वो उसे डांट कर कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी निकी को सब बताने की, जिस पर वो उसे संभालने की कोशिश करती है। तभी वो उसे बताती है कि गलती से उसने निकी को मार डाला है। ये सुनकर एलिस प्रोटेक्शन के लिए एक चाकू उठा लेती है और कहती है कि वो पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता देगी। ये सुनकर सैम उस पर हमला कर देती है और फिर उसका गला काट कर खा जाती है, जिसके बाद वो एक पत्थर से उसका सर फोड़ देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो रायली को कॉल करती है और कहती है कि वो बहुत अकेली है, तो क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। अब सैम उसके लिए तैयार होने लगती है, क्योंकि अब वो उसके साथ इंटीमेट होने वाली थी। इसके बाद वो कमरे में पूरा अंधेरा कर देती है, ताकि वो उसका चेहरा ना देख पाए। फिर रायली जब वहां पर आता है तो उससे पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तभी सैम उसे सिड्यूस करने लगती है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी रायली उससे दूर हट जाता है और देखता है कि उसके प्राइवेट पार्ट से कीड़े निकल रहे हैं। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है और वॉशरूम में जाकर उल्टी करने लगता है। तभी वो वहां पर एलिस की लाश को देखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। इधर सैम वहां से भाग गई होती है और वो अपनी मॉम को कॉल करके कहती है कि वो उसे बचा ले। तभी
अचानक उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, पर वो अब भी जिंदा होती है। वो पूरी तरह एक जॉम्बी की तरह हो जाती है। तभी पुलिस ये देखकर उस पर गन तान देती है और उसे वहीं पर रुकने के लिए कहती है। तभी उसकी मॉम भी वहां पर आ जाती है, जो उसे अपने पास आने के लिए कहती है। तभी सैम जब उसके पास जाती है तो वो उस पर अटैक करके उसे खा जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।